ओम शांति आप सबको स्वागत है आज हम एक दिसंबर की शुरुआत में आप पहुँचे हैं मन की ऐसी शक्ति है जो कि हमें या तो बीमार बना सकती है या तो फिर हमें एकदम स्वस्थ बना सकती है ये कैसे पॉसिबल है इसको भी हम समझेंगे तो परमात्मा का आज का वरदान है कि मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी हवा अगर खुशी है तो बीमारियां गायब हो जाएंगी अगर खुशी नहीं है तो सारा फोकस कहाँ जाएगा दुख की बातों हो जाएगा जिसमें एक बात आ जाती है हमारी बीमारी की भी परमात्मा कहते हैं कहा जाता मन खुश तो जहान खुश है ना हमारे आजू बाजू सारी चीज़ चीज़ें खुश हो जाती हैं लेकिन अगर हम कंप्लेन करने वाले हों ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है ये इंसान ठीक नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए उसको ऐसे नहीं बोलना चाहता ऐसे ऐसे नहीं सोच वैसे नहीं कर अगर हम और को कंट्रोल करने के पीछे पड़ते हैं तो ना हम खुश रहते हैं ना हम और को खुश करते हैं मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है ना अगर मन में अगर कोई बीमारी हो अगर बहुत घबराहट हो तो बोलते ये तो पीला पड़ गया भाई कहते हैं ना कोई कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये पीला पड़ गया अगर मन के अंदर ताकत ना हो तो पीला पड़ जाते हैं इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है परमात्मा का ज्ञान हर दिन सुनना जरूरी है और परमात्मा को मुरली से शक्ति लेनी जरूरी है अपने आप को समझाना जरूरी है उस ज्ञान के अनुसार अपने आप को आत्मा समझ करके समझाना जरूरी है विवेकशील बनना जरूरी है मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा इतनी ताकत है जैसे दादी ने क्या किया ऑपरेशन भी कराए लेकिन ऑपरेशन बिना है से कभी कराया उन्होंने कैसे करवा पाए बिकॉज अंदर से खुश थे उनको किसी चीज़ की इच्छा नहीं कोई बड़ी किसी को इम्प्रेस करने की इच्छा नहीं किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं किसी से कुछ इच्छा नहीं थी तो इसलिए उनका मन स्थिर था ये तो आज क्या होता है इससे कुछ नहीं बोला उसने मैं थैंक यू नहीं बोला उसने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला उसने मेरे को विश नहीं किया उसने मेरे को ये नहीं किया और हम हर दिन अपनी बुद्धि को इधर से उधर उधर से उधर भटकाते रहते हैं लेकिन दादियों की वो भटकन कम थी या ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो थी जिस कारण से क्या थे वो खुश थे मन खुश था संतुष्ट था उस समय उस पर्टिकुलर मोमेंट में इसलिए उनको कोई असर पड़ता ही नहीं था वो डिटैच थे बॉडी से चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त रह है क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है कल्यु के अंत में हमारे पास में जो कुछ भी आज परमात्मा का दिया हुआ है ये ज्ञान सबसे मुख्य है हम जैसे कहते हैं जो कुछ भी है परमात्मा दिया है सीधा हमारा धन की तरफ चला जाता है दौलत की तरफ चले जाता है नहीं वो नहीं सबसे पहले आपको रिवाइंड 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 करो बैक आओ वापिस आओ वापस चलो एंड ये सोचो कि हमें मिला क्या हमें ज्ञान मिला है जो कि सबसे मुख्य है वो सबसे ऊंचा खजाना है क्योंकि वही हमारे साथ में अगले जन्म में जाएगा और यहाँ के जो हम चीज़ों को थैंक यू बोलते हैं सामान वामान है ठीक है थैंक यू बोलते हैं लेकिन वो चीज़ें हमारे साथ में आगे जाने वाली नहीं है हाँ उसके लिए हम थैंकफुल हैं परमात्मा को लेकिन सबसे ज़्यादा थैंकफुल हमें होना चाहिए ज्ञान के लिए विवेक के लिए विजडम के लिए जो कि हमारे साथ में जन्म जन्मांतर जाता है हमारे साथ में इन द फॉर्म ऑफ संस्कार्स ये खुराक बीमारी को भगा देती है भुला देती है ज्ञान की ज्ञान के पॉइंट्स की परमात्मा को याद करने की और सिचुएशंस आती हैं तो परमात्मा के पॉइंट्स को यूज़ करके उन सिचुएशंस को सॉल्व करने की जो विवेक हमें मिलता है वो हमें खुशी देता है है ना? तो मन खुश जहान खुश जीवन खुश इसलिए एवर हेल्दी मन खुश तो जहान खुश जीवन खुश इसलिए एवर हेल्दी हो कौन एज अ सोल और बॉडी की प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती हैं ऑटोमेटिकली फीलिंग नहीं आती थी तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है डिटैचमेंट कहते हैं इसको तो ये सब कुछ सिखाया था ब्रह्मा कुमारी इसमें ओम शांति